नाम हरीश संगानी है, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और हमारी कंपनी का नाम है सांगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, जिसमें मेरा छोटा भाई है, वो हम दोनों भाई ने साथ में मिल करके ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और मेरे भाई का नाम है धर्मेश संगानी। तो अभी हाल फिलहाल वो यहाँ पर नहीं, आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन धर्मेश के बिहाफ में और मैं खुद प्रोडक्शन के लिए मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ। ये हमारी एक छोटी सी टीम है, ये हमारे को प्रोड्यूसर है सतीश भावेशकर जी, ये हमारी फिल्म के नहीं, हमारी कंपनी के अंदर जो एक बोलते हैं ना कि एक फिक्स डायरेक्टर होते हैं कि जो फिल्में करेंगे रेगुलर हमारी फिल्में करेंगे, वो है अमित कसारिया जी, और ये मेरी वाइफ है तृप्ति, तृप्ति सांगानी, जो मेरी एक कंपनी चलती थी तृप्ति एंटरटेनमेंट, और आज भी वो चल रही है, जिसमें मैंने काफ़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करी है, काफ़ी कॉरपोरेट के साथ भी काम किया है ना, तो ओवरसीज में भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो अभी क्या था कि हम लोग ने, मतलब मैंने और मेरे भाई ने एक प्लानिंग की कि क्यों ना हम एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करें इस बॉलीवुड के अंदर, तो जिससे हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में दें, उस फिल्म के ज़रिए अच्छे अच्छे मैसेज हम लोग पब्लिक तक कन्वे करें। तो इसलिए अभी ये प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत हुई है, जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है सांगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स। वी आर बेस्ड इन मुंबई और बॉम्बे से ही सारा काम होगा और हमारे हेड ऑफिस भी बॉम्बे में ही है। तो आने वाले वक्त के अंदर, अभी एट प्रेजेंट हम लोग एक फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, हम जल्दी आपके सामने आएंगे, हमारी फिल्म के बारे में बात करेंगे, हमारे एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और ये काफ़ी अच्छी और बड़े बजट की फिल्म है। इट्स अ कॉमेडी लव स्टोरी, कि आजकल क्या है कि लोगों को एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट चाहिए, तो हम लोग एंटरटेनमेंट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्में प्लान कर रहे हैं कि जिसमें पब्लिक अंदर आए तो पब्लिक को लगे कि नहीं यार, हम लोग दो चीज़ें अच्छी देख के भी गए, कुछ अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली, मैसेज भी अच्छा मिला, और उन लोगों को पूरा एंटरटेन करें। मतलब एक स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है, आजकल हर एक की लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो जैसे ही वो लोग थिएटर के अंदर आए, दो तीन घंटा जो भी स्पेंड करें, तो ऐसे स्ट्रेस फ्री हो जाए कि बाहर निकल के उनको लगे कि यार फ्रेश हो गए हम लोग। बस इसी चीज़ को, इसी ऑडियंस को और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्शन हाउस की अभी शुरुआत करी है, कि जिसमें आज हम एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और सबसे पहले गाना हम लोगों ने गणपति बापा का लिया हुआ है, जो हमारे फिल्म के अंदर एक सीक्वेंस में वो सबसे पहला गाना है, और इस फिल्म को जो अपनी आवाज़, सॉरी ये गाने को जो अपनी जो आवाज़ दे रहे हैं वो अमन त्रिखा जी दे रहे हैं, तो शायद वो कल आएंगे परसों आएंगे, अभी तो हम लोग ने, अच्छा ये हम लोग ने पूरा लाइव लिया हुआ है म्यूज़िक को, कम से कम हमारे 12-15 इंस्ट्रूमेंट है जो लाइव बज रहे, और इस गाने को इतना हम लोग ने बड़ा किया है कि पब्लिक को, मतलब पब्लिक सुनते ही नाच पड़ेगी, मतलब लोगों के अंदर जोश भर जाएगा। एक भक्ति वाला गाना है गणपति बापा का, तो बहुत अच्छा गाना है, और प्रवीण भारद्वाज जी जो है इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो इससे फिल्म से रिलेटेड आगे कोई भी बातचीत होगी उसके लिए हम एक और सेशन रखेंगे, जिसमें हमारा कास्ट एंड क्रू और इससे भी ज़्यादा बड़ी टीम होगी, और वो टीम आपके सामने आ करके मीडिया के सामने बात करेगी। तो एट प्रेजेंट हम आपसे इतनी बात शेयर कर सकते हैं कि हमने एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करी है, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों की दुआ चाहिए, कि जिसे हम सब लोग आगे बढ़ सकें। अब मुहूर्त क्या है, मतलब इतना से आपको? हाँ, ये फर्स्ट सॉन्ग मुहूर्त है ना, अभी अमित भाई बताएंगे कुछ। और वो 2021 में रिलीज़ हुई थी बेखुदी। अभी ये फिल्म बेसिकली मैं भी प्रोडक्शन हाउस के बारे में बात करूँगा। द आइडिया ऑफ हैविंग ऑफ स्टार्टिंग दिस प्रोडक्शन हाउस इज टू गिव अपॉर्चुनिटी टू लॉट ऑफ न्यूकमर्स एज वेल एज मेकिंग गुड एंटरटेनिंग फिल्म्स। एंड इन अ ईयर, दिस फिनेंशियल ईयर 2023-24, वी विल बी मेकिंग एटलीस्ट टू फिल्म्स, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट दिस प्रोडक्शन हाउस एंड मेक इट in future we may make it a public limited company or make it even a bigger platform for many talent. And the idea is to just make a good films, films which can be seen with the family, films which can be seen by the mass audience, not by just making films which others are making. Like for example, many people are making thrillers and horror, so we are not going and rushing towards that bheed jo ho rahi hai uske piche nahi ja rahe hum log apna alag zone mein film mein bana rahe hain. खूबसूरत लव स्टोरीज़ वगैरह जो हमारे प्लान है,
इस तरह से फिल्में बना रहे हैं। तो अभी आज हम केवल प्रोडक्शन हाउस में, जैसे हरेश भाई ने बोली दिया कि सांगानी प्रोडक्शन हाउस, सांगानी मोशन पिक्चर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस फिल्म के बारे में हम पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। दैट्स इट, यही मैं बोलूँगा। थैंक यू। आपका नमस्कार, मैं सतीश बाविस्कर इस फिल्म इंडस्ट्री से 35 साल से जुड़ा हूँ। मैं फिल्म प्रोडक्शन का ही काम करता था, सुनील दर्शन, धर्मेंद्र दर्शन के प्रोडक्शन हाउस श्री कृष्णा इंटरनेशनल में 16 साल काम किया। बाकी फ्रीलांस अनुराग बासु जी का जग्गा जासूस बर्फी 24 सीरियल, ऐसे बिग प्रोडक्शन हाउस में काम किया। हरेश संगानी जी मित्र है, भाई मानते हैं, उन्होंने गांधीनगर से मुझे बुला लिया, बोले कि सतीश ये प्रोडक्शन हाउस खोलनी है और आप हम मिलके एक साथ आगे जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हाउस था तो बोले फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस खोलते, एक दूसरे का बॉन्डिंग है तो हम लोग क्यों ना मिलके एक दूसरे को समझते, तो हम आगे ज़िंदगी की रफ्तार शुरू करते हैं प्रोडक्शन हाउस से चालू करके। तो इस सिलसिले में मैं गौतम आदानी जी के यहाँ गया था, ये 10 महीना शिफ्ट हुआ था, वहाँ से इन्होंने मुझे बुला लिया और ये प्रोडक्शन हाउस चालू करके एक एक कड़ी जोड़ती गई और आज टीम बनती गई और आज आप लोग के सामने खड़ी है। ये अभी छोटे से 4 लोग खड़े हम लोग, आगे 500 लोग आएंगे और सब प्रॉपर ए ग्रेड के टेक्नीशियन है और फिल्म देखने लायक ही होगी। उसका सारा एक गाना रिकॉर्डिंग होने के बाद दूसरे जो आगे का प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ रखेंगे उस टाइम पे आपको टीम के साथ में, फिल्म के अदर टेक्निकल क्रू के साथ में हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तब आपको समझ में आएगा ये फिल्म का ग्रैंडियर क्या है और फिल्म किस हिसाब से और कैसे बन रही है, तो सारा आपके सामने हाजिर होना है। और मैं तो मुंबई बेस हूँ, मुंबई और महाराष्ट्र का यही का हूँ, और हरेश भाई की और संगानी ब्रदर्स धर्मेश संगानी, इन्होंने मुझे को प्रोड्यूसर रखा और बनाया है। अभी तक तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोलर का काम और डिस्ट्रीब्यूशन का सुनील दर्शन धर्मेश दर्शन का हिसाब किताब ही करता था, तो उन दोनों संगानी ब्रदर्स के हरेश संगानी और धर्मेश संगानी ने इन्हें बड़ा दिल रख के मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझे को प्रोड्यूसर कर खड़ा किया हुआ। ये मेरा पहला चांस है 35 साल में, तो मैं संगानी ब्रदर्स का मैं नमस्तक हूँ और जिंदगी में इन लोग के साथ में जो मुझसे अच्छा हो सकता वो करूँगा, क्योंकि मुझे जो जिसने खड़ा किया तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ढाल बन के आगे इनके साथ चलूँ। अभी आप जो फिल्में बता रहे हैं, अभी तो हिंदी फिल्म है, लेकिन आगे चल के रीजनल फिल्म भी बनाएंगे या फिर सिर्फ हिंदी? हाँ, डेफिनेटली हिंदी तो बना ही रहेंगे, हिंदी फिल्म तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में हमारे दो प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है अभी, कि एक है गुजराती, जो आजकल गुजराती सिनेमा भी बहुत अच्छा हो गया है और गुजराती सिनेमा की ऑडियंस भी बहुत अच्छी, मतलब आजकल गुजराती सिनेमा बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो हम लोग गुजराती सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे और एज वेल एज हम मराठी सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि हमारी दो लैंग्वेज की हमारी जो सेकंड में और फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो एक होता है ना कि हमारा बेस हिंदी है लेकिन उसके बाद जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गुजराती और मराठी के लिए है। तो आगे चल के हम लोग मराठी के लिए OTT के लिए हम सीरीज भी बनाएंगे, हो सकता है हम लोग गुजराती फिल्म का ऑलरेडी एक लाइनअप चल रहा है हमारा और वो लाइनअप जल्दी आपके सामने आएगा, तो एक गुजराती फिल्म भी हम फ्लोर पे लेके जा सकते हैं और एक मराठी सीरीज़ का एक लाइनअप चल रहा है जो OTT के लिए हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह सब अप्रूव हो गया है, तो उसके लिए भी हम जल्दी आपसे ये बातें शेयर करेंगे हम कौन सी OTT के लिए कर रहे हैं, और मराठी वेब सीरीज़ का अभी काम चल रहा है। अच्छा, कंपनी के जो डायरेक्टर है अमित जी, आपने रखा हुआ है तो बाकी सब चीज़ें भी वही डायरेक्ट करेंगे या? नहीं, हमारी हिंदी फिल्म के लिए तो अमित भाई हैं यहाँ पर, और बाकी मराठी के लिए एक डायरेक्टर हम बाहर से ही हम लोग हायर करेंगे, और गुजराती फिल्म के लिए भी हमारे गुजराती इंडस्ट्री के, क्योंकि क्या होता है कि हर एक लैंग्वेज का अपने एक कल्चर होता है, अपनी एक पकड़ होती है, तो जो डायरेक्टर अगर समझिए गुजराती डायरेक्टर है तो गुजराती डायरेक्टर उस कल्चर को पकड़ के चलेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो लेकिन आप कल्चर को पकड़ के अगर नहीं चलोगे तो फिल्म का फ्लेवर नहीं आता है, तो उस फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए और उस कल्चर से रिलेट करने के लिए, क्योंकि जब तक कल्चर नहीं होगा तब तक ऑडियंस रिलेट नहीं करेगी, तो उसके लिए भी हम लोग अलग ये प्रोजेक्ट हम दूसरे डायरेक्टर को देंगे, और गुजराती प्रोजेक्ट है वो भी हम दूसरे गुजराती डायरेक्टर को देंगे, लेकिन हमारे जो एक होता है ना एक बेस फाउंडेशन होता है कि जिस पे आपकी इमारत खड़ी है,
तो अभी हम जो सब लोग आपके सामने जो खड़े हैं ना, ये हम लोग एक बेस फाउंडेशन है, ये एक बेस फाउंडेशन है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। जहाँ तक हिंदी फिल्मों का सवाल है, तब तक अमित भाई जब तक ना नहीं बोलेंगे तब तक अमित भाई हमारे साथ में और हम इनके साथ में हैं। फिल्मी करियर एज ए आर्टिस्ट हुई थी, चाइल्ड आर्टिस्ट। जी जी। तो ये फिल्मों में आप काम करेंगे या फिर सिर्फ प्रोडक्शन ही देखेंगे? नहीं नहीं, अभी तो हाल फिलहाल मेरा कोई एक्टिंग का कोई वैसे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली है कि मेरे प्रोडक्शन हाउस से जो भी फिल्में बनेगी उसमें मैं सिर्फ प्रोड्यूसर रहूँगा, उसमें एक्टर नहीं रहूँगा। हाँ, एक्टिंग अगर करनी है तो कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो हो सकता है मैं आपको स्क्रीन टेस्ट देता हुआ वहाँ नज़र आ जाऊँ। जैसे सब लोग जाते हैं एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, एक एक्टर की एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो स्क्रीन टेस्ट देता है, उसके बाद अप्रूवल होता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जहाँ पर जो काम जो चीज़ के लिए मैं जाता हूँ मैं उसी चीज़ को वहाँ हाईलाइट करता हूँ। अब जैसे मैं एक्टर गया तो एक्टर एज ए एक्टिंग करने के लिए गया तो वहाँ किसी को ये नहीं बताता कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने कॉर्पोरेट फिल्में करता हूँ, मेरा ओवरसीज में ऑफिस है या मेरा प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ एक्टर हूँ तो एक्टर ही हूँ, जब यहाँ मैं प्रोडक्शन हाउस संभाल रहा हूँ तो प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूसर ही हूँ, और जब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है तृप्ति एंटरटेनमेंट में तो वहाँ पर सिर्फ आप मुझे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ही देखेंगे। तो जैसे एक एक्टर अलग अलग किरदार निभाता है वहाँ, वैसे ही मेरे प्रोफेशन के अंदर मेरे दो भगवान ने सेगमेंट दिए हुए हैं कि एक एक्टर है, एक प्रोड्यूसर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो तीनों जगह कभी मैं मिक्स नहीं करता हूँ, जहाँ जो काम होता है उसी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये आप प्रोडक्शन हाउस कोई कॉर्पोरेट के साथ टाइप करने वाले हैं? हाँ, क्योंकि अभी हम लोग की एक बातचीत ऑलरेडी चल रही है और हो सकता है वो आने वाले वक्त में वो चीज़ें आगे कन्फर्म भी हो जाएगी। तो क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट के साथ हमारी बातचीत, क्योंकि हमारा देखो क्या होता है कि हम लोग कॉर्पोरेट के लिए इसलिए नहीं जा रहे कि भाई हमारी चीज़ बिक जाए या हमें ये मिले, हमें वो मिले या पैसा मिले, ऐसा नहीं। जब हम कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली ये कॉर्पोरेट जो है ये लोग उनको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर पोटेंशियल है या हमारे प्रोडक्ट में अगर वो ताकत है कि कॉर्पोरेट के साथ बैठ करके उस लेवल की हम लोग डील क्रैक कर सकते हैं फॉर मनी वाइज या एक्सपोजर वाइज जो भी है, तो अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग उस डील को भी हम अचीव करेंगे, हम लोग उस डील को भी हम क्रैक करेंगे। क्योंकि अभी तक मैं कॉर्पोरेट बिजनेस में ही हूँ, मैं PVR का काम देखता हूँ, मैं यशराज फिल्म से जुड़ा हुआ था, फिर मैं रिलायंस के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने जी वालों के साथ काम किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने कई फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ करी है मैंने, है ना, कार्निवल ग्रुप के साथ भी जुड़ा हूँ। तो ये जुड़ाव तो मेरा कॉर्पोरेट में रहा ही है, लेकिन ये कभी मैंने गलत एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की कि यार मैं प्रोड्यूसर बन गया तो मैं कॉर्पोरेट में जाके बैठ जाऊँ। नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट के मेरिट के ऊपर मैं जाऊँगा, अपने स्टारकास्ट की मेरिट के ऊपर जाऊँगा, हमारी टीम की मेरिट के ऊपर जाऊँगा, और फिर देखूँगा कि अगर कॉर्पोरेट हमारे साथ आती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर बाय चांस फॉर एनी रीज़न अगर चीज़ें क्रैक नहीं होती है फिर भी हमारी जर्नी चलती रहेगी और ये प्रोडक्शन हाउस आगे चल के एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस भी बन सकता है कि जहाँ पर हम लोग देखो टैलेंट तो सबके अंदर होता है, हर एक के अंदर अच्छे अच्छे टैलेंट्स होते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो हो सकता है हम उस टैलेंट को भी हम लोग वेलकम करें जो टैलेंटेड है बट इनका नाम नहीं है, क्योंकि आफ्टरऑल जितने भी नाम बने हैं वो सब टैलेंट से बने हैं, कोई ऊपर से नाम लेके नहीं आया कि भाई मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जो भी नाम हुए टैलेंट से हुए। तो हम लोग उस टैलेंट को भी वेलकम करेंगे जो वाकई में टैलेंटेड है लेकिन नए हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस टैलेंटेड लोग चाहिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।